आज हम बनाएंगे मलाई सैंडविच जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये हमने एक तपेली ली है, इसमें हम सूजी डालेंगे। हम यहाँ पे आधा कप के करीब सूजी लेंगे और उसमें फिर हम मलाई वाला दूध डालेंगे। मलाई वाला दूध मतलब मलाई भी डालेंगे और दूध भी डालेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा मलाई है तो हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, अगर आपके पास कम मलाई हो तो कोई बात नहीं, आप मलाई और दूध डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना। अगर कम मलाई होगी और ज़्यादा दूध होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। तो आप इसको कभी भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी आप खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है सैंडविच और टेस्टी भी लगता है। तो इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 15 मिनट रेस्ट देंगे। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 7 से 8 मिनट भी इसको रेस्ट दे सकते हैं। अभी देखिए कितना गाढ़ा हो गया, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, और थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सैंडविच अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की हम आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे, इससे इसका अच्छा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हमने टमाटर का एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकाल दिया था। अगर आप चाहें तो मटर, गाजर, जो भी आपको पसंद हो, अगर खाली प्याज, टमाटर और हरी मिर्च होगी तो भी चलेगा, शिमला मिर्च अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये सैंडविच बहुत ही, यकीन मानिए दोस्तों, 100% परफेक्ट रेसिपी है। आप हमारे चैनल पर जाके कोई भी हमारी रेसिपी देखिए, 100% परफेक्ट बनेगी। ये हमने फाइन चो बारीक कटा हुआ धनिया दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी हमारा थोड़ा बेटर गाढ़ा है तो हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ चाहें तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम सैंडविच बनाना चालू कर देंगे। तो ये हमने ब्रेड ली है और इसकी हमने किनारे कट करके रख दी है। अब हम एक पैन लेंगे, नॉन स्टिक पैन लेंगे, और अब उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और अब इसको गर्म होने देंगे। तब तक हम जो ब्रेड स्लाइस है उसके ऊपर जो हमने ये सूजी वाला बैटर उसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम इसको अप्लाई करना है, हमें एक ही साइड इसको अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हम पैन में जो तेल गर्म है उसमें राई और थोड़ी सा हल्दी पाउडर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जिस साइड पे हमने बैटर लगाया उस साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे। हमें इसमें एक तरफ ही बैटर लगाना है, हमें इसमें दोनों तरफ बैटर नहीं लगाना है। अगर दोनों तरफ हम बैटर लगाएंगे तो सैंडविच का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, एक तरफ अगर हम इसको लगाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकेंगे 6 से 7 मिनट तक, जब तक इसका कलर नीचे से हल्का सा चेंज नहीं हो जाए। आपको ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप ज़्यादा डार्क कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सैंडविच बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम हल्का सा इसको उठा के देखेंगे, अभी हल्का कलर चेंज हुआ है तो हम इसको और रहने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम इसको गैस को बंद करके हमने इसको निकाल दिया। देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा सैंडविच। हमें इसको दोनों तरफ से पलट के नहीं सेकना, एक तरफ से ही इसको सेकेंगे। लीजिए हमारे मलाई सैंडविच तैयार हो गए हैं, डिलीशियस मलाई सैंडविच तैयार हो गए हैं। देखिए ये हमारा कितना सॉफ्ट सैंडविच बना है। तो ये लीजिए हमारे डिलीशियस मलाई सैंडविच तैयार हो गए हैं। तो आप इसको एक बार घर पे जरूर से ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है।